छत्तीसगढ़ कांग्रेस प्रभारी कुमारी शैलजा राजधानी रायपुर पहुंची। उन्होंने रायपुर पहुंचकर मोदी सरकार पर निशाना साधा। कुमारी शैलजा ने कहा कि अडानी का मुद्दा लोकसभा और राज्यसभा में भी उठा है, जिसे लेकर कांग्रेस लगातार सरकार से जवाब मांग रही है, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। इसके विरोध में कांग्रेस देश भर में धरना प्रदर्शन कर रही है। वहीं भाजपा के प्रदेश सह प्रभारी नितिन नवीन ने पलटवार करते हुए कहा कि अपने भ्रष्टाचार को दबाने और आत्मरक्षा के लिए कांग्रेस से ये सब जो है कर रही है, ये एक सोची समझी साजिश है। प्रतिपक्ष श्री खड़गे जी, उन्होंने जो भी बातें उठाई उन्हें रिकॉर्ड से ही हटा दिया गया, एक्सपंज किया गया। ऐसी कौन सी बात थी जो सरकार को ऐसी लगती थी कि अगर उनसे सवाल पूछे जाएं और उन्हें जवाब देना पड़ेगा तो बहुत सी बातें बेनकाब होंगी। कांग्रेस पार्टी लगातार सरकार से जवाब मांग रही है, देश जवाब मांग रहा है, लेकिन जिस तरह से यहाँ पर सबकी आवाज़ दबा दी जाती है, हम उसी से संबंधित आज मेमोरेंडम गवर्नर साहब को देना चाहेंगे। देश भर में इस मुद्दे को उठाया गया है, आज उठा रहे हैं और हम आगे भी इन बातों को उठाते रहेंगे। और आज कांग्रेस पार्टी पूरे देश में धरना प्रदर्शन करते हुए गवर्नर हाउस का राजभवन की ओर जाएगी। मेरा मानना है कि जिस प्रकार से भ्रष्टाचार के आकंठ में डूबी हुई कांग्रेस है, जिस कांग्रेस ने इस देश को बेचने का काम किया, जमीन से आकाश तक जिसने घोटाले ही घोटाले किए, आज वो भ्रष्टाचार के मुद्दे को उठाते हैं, तो कहीं ना कहीं मेरा मानना है एक सुनियोजित साजिश है कि अपने ऊपर लग रहे आरोप को कहीं ना कहीं वो आत्मरक्षा में ये काम कर रहे हैं, तो इससे कोई उनको रक्षा नहीं मिलने वाली है। उनका नेता राहुल गांधी और सोनिया गांधी भी बेल पर है, उनके अधिकारी सौम्या चौरसिया से लेकर अन्य अधिकारी आज जेल के अंदर है। वो व्यक्ति नैतिकता और भ्रष्टाचार की बात करता है तो उसके काले चेहरे से ये दाग हटने वाला नहीं।